हाय फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। मैं हूँ सायरा खान। आज हम बना रहे हैं दाल के पकोड़े। दाल के पकोड़े बनाने के लिए मैंने रात को ही मूंग और उड़द की दाल जो है वो भिगो कर रख दी थी, और अब मैंने उसको ग्राइंडर में पीस लिया है। उसका इस तरीके से पेस्ट बन गया है। उसी के साथ साथ ही मैंने यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च और हरा धना जो है उसे बारीक बारीक काट लिया है, आप देख सकते हैं। यह है दाल का पेस्ट, मूंग और उड़द दाल, और यह है हरा धना, ऑमलेट कट अनियन एंड ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च बारीक कटी हुई। उसके साथ साथ कुछ मसाले जो इसमें जाने वाले हैं उसमें आप देख सकते हैं, यह है चिली फ्लेक्स जो खड़ी मिर्ची होती है हमारी, और कुटा हुआ धनिया। उसके साथ साथ हमारे पास है जीरा, नमक और थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला हमें इसमें चाहिए, और चुटकी भर हींग। ये सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे इसके पेस्ट में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो है दाल का पेस्ट मिक्स कर लिया है, हरी मिर्च, कटे हुए प्याज और बारीक कटे हुए हरे धनिए में। अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले, जिसमें हम सबसे पहले डालेंगे कुटा हुआ धनिया और मोटी मिर्च, लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स। साथ में हम डालेंगे ये जीरा। उसके साथ साथ हम डाल देंगे ये सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये जो काली मिर्च और कुछ थोड़ा सा गरम मसाला है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और हींग भी हम इसमें डाल देंगे। इन सब चीज़ों का हम इस मिक्सर कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। दाल का पेस्ट आप बनाकर रख भी सकते हैं फ्रिज में, और जब कभी भी मेहमान आए तो बस उसमें प्याज, हरी मिर्च ये सब जो है वो मिलाइए, और गरम गरम पकौड़े जो है वो बनाकर खिलाइए। बरसात के मौसम में तो भाई ये बहुत ही डिमांडिंग होते हैं। तो इस तरीके से ये पेस्ट बन गया है हमारा, और हमारा जो ऑयल है वो ऑलरेडी प्री हीटेड है, हमने पहले ही ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे पकोड़े। तो पकोड़े आप हाथ से भी डाल सकते हैं, आप स्पून से भी डाल सकते हैं। देखिए, तो खाइए हरी चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ, सॉस के साथ, जैसे भी आपको पसंद है वैसे आप खाइए। मैं यहाँ पर स्पून से डाल रही हूँ क्योंकि एक हाथ से मैंने अपना फ़ोन होल्ड किया हुआ है और दूसरे हाथ से मैं इन पकौड़ों को तेल में डाल रही हूँ, इनके पेस्ट को। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा सा हिला लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी, जब आप खाना बना रहे हैं तो वो बर्तन में ना चिपके, चाहे वो नॉन स्टिकी हो या नॉर्मल पैन अगर हम घर में यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले बर्तन को अच्छे से गर्म होने दीजिए। जब बर्तन अच्छे से गर्म होगा उसी के बाद आप उसमें ऑयल डालिए और बाकी खाने की चीज़ें डालिए। ऐसा करने से जो खाना है वो पैदे में नहीं चिपकेगा और जलेगा नहीं। अब देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं, देखिए आप बिल्कुल खिले खिले अलग अलग हैं, और कोई भी ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं हुआ है और ये आराम से तले जा रहे हैं। बस अब हम इनको थोड़ा सा और सिकने का इंतज़ार करेंगे ताकि ये अंदर से पके। इनको मध्यम आंच पर आपको रखना है, तेज़ आंच नहीं करनी है, अदरवाइज ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसीलिए इनको धीमी आँच पर ही हमें पकाना है। थोड़ी देर तक धीमी आँच पर रखिए, धीरे धीरे इनको अंदर तक सिकने दीजिए, फिर उसके बाद हम इनको बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा फर्स्ट बैच ऑफ पकोड़ा, दाल, मूंग दाल और उड़द दाल का पकोड़ा तैयार हो जाएगा। ये देखिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट बैच ऑफ मूंग दाल पकोड़ा तैयार हो गया है। इसी तरीके से इनको हल्के हल्के ब्राउन होने तक तल लीजिए कम आंच पर, और ये देखिए अब हम इनको निकाल लेंगे।
तेल से बाहर निकाल लेंगे। हम दाल का बैटर जो है वो बनाकर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको रखना चाहते हैं कुछ दिन, तो आप ये कीजिए कि उस पेस्ट में आप प्याज हरी मिर्च वगैरह कुछ मिलाकर ना रखें, बस खाली दाल का पेस्ट बनाकर ही रखें, तो वो जल्दी खराब नहीं होगा। क्योंकि प्याज हरी मिर्च वगैरह मिलाकर रखने से वो पानी भी छोड़ देते हैं, और ये वेजीज क्योंकि गीली होती हैं तो जल्दी खराब भी हो जाती हैं। तो आप सिर्फ दाल का पेस्ट बनाकर ही आप रख सकते हैं फ्रिज में, और जब भी आपको बनाना हो तो बस ताज़ा ताज़ा प्याज हरी मिर्च बारीक बारीक काटिए, इसमें मिक्स कीजिए मसाले, और फिर बनाइए आप गर्मा गर्म दाल के पकौड़े घर पर ही। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।